सावन महीने का ये तीसरा सोमवार है और सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज हम लोग भोरम देव में भगवान की पूजा किए हैं, देवादिदेव महादेव का विधिवत पूजा किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, सभी छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन मंगलमय हो। आज भोले बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं। और इस बार हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवरियों के ऊपर में। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। बैजनाथ धाम की तरह भोरम देव में भी लाखों कांवरिया जो है प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रहा है, ऐसे में क्या बैजनाथ धाम की तरह भोरम देव को भी विकसित किया जाएगा? बिल्कुल चिंता करेंगे, जितना विकास कर सकते हैं, जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं करेंगे। अब वो तो जनता स्वीकार कर रही है ना, 6-7 महीने में कितना काम किए हैं जनता के सामने में है। चलिए।
विजय पटेल जी भैया पालक उत्तम भैया पर लगातार मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। और आज हम अपने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी के साथ जा रहे हैं कवर्धा भोरमदेव में, भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और कांवरियों का दर्शन करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत